भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग ना वक्त पर भोजन ले पा रहे हैं, ना वक्त पर सो पा रहे हैं, ना अपनी सेहत का ख्याल रख पा रहे हैं। बात यदि महिलाओं की हो तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। घर, दफ्तर, बच्चों के बीच वो संतुलन ही स्थापित करने में लगी रहती है। दूसरों की सेहत का ख्याल रखना, दूसरों का अधिक चिंता करना और अपने को इग्नोर करना, तनाव का स्तर इतना अधिक होता है और अपने को जब वो बार बार इग्नोर करती जाती है, यानी कि अपनी सेहत का ख्याल वो नहीं रखती है, तो बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हो जाती है, जिसमें से एक है PCOD या PCOS, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या है ये, क्यों होता है, क्या है लक्षण, अंदर ऐसा क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या है इसके कॉम्प्लिकेशंस, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी इस आगे वाली वीडियो में। और कैसे करेंगे आप घर पर रहकर इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक, प्रस्तुत वीडियो में बात करते हैं इन्हीं सब बातों की। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, PCOD या PCOS एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन क्या है, एक ऐसा मेल हार्मोन है, जब इस मेल हार्मोन का लेवल महिला में अधिक हो जाएगा तो लक्षणों में आएगा कि चेहरे पर अनवांछित बाल, यानी कि दाढ़ी की जगह पे, मूंछों की जगह पे हेयर ग्रोथ हो जाएगी, या छाती में, चेस्ट एरिया में बाल आने लग जाएंगे, उगने लग जाएंगे, है ना, जो कि एक शर्मनाक स्थिति महिला के लिए हो सकती है। चेहरे पर मुहासे का आना या मूड स्विंग्स करना, वजन का बढ़ जाना, नींद का ना आना, है ना, ये तो बहुत सारे लक्षण है। पीरियड्स का इररेगुलर होना, तो क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमें बहुत जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये समस्या इतनी गंभीर है कि पहले तो रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती थी, 30 से 35 वर्ष की उम्र में ज्यादा पीड़ित महिलाएं पाई जाती थी, लेकिन आजकल तो स्कूल जाती हुई बच्चियों में, 20 साल की किशोरियों में ये प्रॉब्लम हो गई है। यदि समय रहते इसका ध्यान नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो आइए, एक्यूपेशन थेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है PCOD या PCOS का, आइए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये पॉइंट्स हमारे हाथों में है, नजर डालते हैं। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर में देखिए, जो इस तरीके से मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग है, SP 11, 12, 13 के पॉइंट्स हैं। एक मैंने ये देखिए बीच में इस जगह पर ये बिग डॉट लगाया हुआ है, ये ओवरी कॉरेस्पोंडेंस है। एक पॉइंट हमारा है रिंग फिंगर में, ये रिंग फिंगर, नेल का बेस बाहर की तरफ टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल वार्मर 1। ये हमारे थे इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस के हिसाब से SP 11, 12, 13, जो कि गोनेट्स पर बहुत अच्छे वर्क है, ओवरीज का, यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम, इसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये है ओवरीज का कॉरेस्पोंडेंस सुजोक के हिसाब से, लेफ्ट साइड में है पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो लेफ्ट में, तो राइट साइड में है तो राइट में। तो ये अब अपने हिसाब से जब रिपोर्ट सामने आती है तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की ओवरी अफेक्टेड है कि राइट की, तो आप ये दोनों में है तो दोनों ही आप हाथों में इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और जो ये ट्रिपल वार्मर 1 था, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि अब ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब इसके लिए जो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, हमें जरूरत होगी इन सारे ट्रीटमेंट के लिए, एक तो चक्रा मैग्नेट की, दूसरा स्टार मैग्नेट की। ये देखिए, स्टार मैग्नेट तो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, पॉइंटेड से होते हैं, एक तरफ से ऐसे स्टार बना है और दूसरी तरफ से ये ब्लैक कलर के, क्योंकि मैग्नेट लगाए हैं, है ना। और ये चक्रा मैग्नेट भी एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से ये ऐसे होते हैं। अब ये चिपकेंगे कैसे, इसके लिए हमें जरूरत होगी पेपर टेप की।
अब देखिए जो छोटे छोटे स्टार मैग्नेट्स थे हम इस तरीके से पेपर टेप में ऐसे लगा देंगे। जैसे लाइन से हमने 6 स्टार मैग्नेट्स लिए, इस तरीके से आप लाइन से लगा देंगे बिल्कुल पास पास में, है ना। और जो ये एरिया था जो अभी ये दिखाया था हमने, है ना, SP 11, 12, 13, इस जगह पर इन स्टार मैग्नेट को आपको चिपका देना है। बिल्कुल इन्हीं के ऊपर इस तरीके से हम स्टार मैग्नेट को लगा देंगे। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट हो गया। ये आपका पेपर टेप की मदद से 6 स्टार मैग्नेट्स ऐसे चिपक जाएंगे। अब जो ये हिस्सा था इस पे क्या करना है, यहां हम यूज करेंगे चक्रा मैग्नेट का जो भी दिखाया था। अब देखिए चक्रा मैग्नेट का जो कलर स्किन को टच होगा वो ये, और लगने के बाद जो बाहर से दिखाई देगा वो ये, और ये जो ओवरी का कॉरेस्पोंडेंस है इसके ऊपर इस तरीके से हम चक्रा मैग्नेट को लगा लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है ट्रीटमेंट। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट्स पर ऐसे लगा लिया। अब बचा ये इस पे क्या करना है, यहाँ पर लगेगा ब्योल मैग्नेट। ये भी बहुत छोटा छोटा सा होता है, ये देखिए पैकेट है ब्योल मैग्नेट का, टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट का। एक तरफ से ये व्हाइट, दूसरी तरफ से ये येलो कलर का होता है ना। फिर से हम लेंगे पेपर टेप, और पेपर टेप में देखिए कैसे लगाना है, जो स्किन को टच होगा वो इसका येलो कलर है, और लगने के बाद बाहर से जो हमें दिखाई देगा वो व्हाइट। जो भी पॉइंट बताया था ट्रिपल वार्मर वन, इसी के ऊपर हम इस तरीके से एक टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा PCOD और PCOS का। ये करके ही रखना है, हाँ? आप जब देखेंगे कुछ दिनों तक आप इसको लगाकर, रोज रात में तो लगाकर सो ही जाइए, और लेफ्ट हैंड में तो दिन में भी लगाकर रख सकते हैं। राइट से काम करिए, लेफ्ट में ये लगा रहेगा। जितनी देर तक आप इन पॉइंट्स को लगाकर रखेंगी ना, उतना ही अधिक फायदा होगा। तो जो ग्रोथ में जो अनवांटेड ग्रोथ चेहरे पे हो गई थी, एम्बेरसिंग फील होता था, हाँ, बार बार शेविंग करनी पड़ रही है, वैक्सिंग करानी पड़ रही है, हार्ड हो जाती है स्किन जब बार बार आप वैक्सिंग करते हैं, है ना। तो एम्बेरसिंग तो सिचुएशन है ही है कि दाढ़ी मूछ आ जाए तो एक शर्मनाक स्थिति है ना। तो आप इन सब से छुटकारा हीन भावना हो जाती है। चांद सा सुंदर चेहरा जब मुहासों से भरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। जो आपको इररेगुलर पीरियड्स थे उनसे वजन आपका ठीक होने लगेगा। बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल हो जाएंगी इन्हीं पॉइंट से। कर तो देखिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आप जब देखेंगी, लगाएंगी लगातार इन पॉइंट्स को, बहुत जल्दी असर होगा। दोनों ही हाथों में भी कर सकते हैं, एक हाथ में भी कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब आप अगले दिन उठेंगे, यानी कि 18 घंटे आपने लगा लिया, फिर सारे मैग्नेट्स को आपस में जोड़कर रख दीजिए। मैग्नेट्स आपस में जुड़कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होते। बस पेपर टेप को फेंक दीजिए, मैग्नेट्स को जोड़कर रख दीजिए, जुड़कर ये आपस में चार्ज होकर ये फिर से तैयार हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर से आप इनको रीयूज कर सकती हैं। आप दो सेट बना लीजिए कि एक समय चार्जिंग में लगे रहे और एक समय में आपके एक सेट आपके हाथों में लगा रहे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैग्नेट्स कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए नीचे निगाह डालिए, वेबसाइट की लिंक आ रही है sambhavcure.com, यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकती हैं। साथ ही एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें कि एसेंशियल ऑयल का जिक्र था कि हार्मोनल इम्बैलेंस पर अरोमाथेरेपी भी बहुत ज्यादा कारगर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। आपको तुरंत इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो जब आप उस हार्मोनल इम्बैलेंस ब्लेंड और इन पॉइंट्स का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको जो रिकवरी है आपकी फास्ट हो जाएगी। साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आप भी ग्रसित हैं किसी और परेशानी से तब भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। हम इस चिकित्सा पद्धति को सिखाते भी हैं, अरोमाथेरेपी को, एक्यूप्रेशर को, बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखिए निगाह डालिए कितने सारे कोर्सेज आ गए हैं। बिगनर्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, या आप कहेंगे कि आपको कुछ पता है पहले से नॉलेज है एक्यूप्रेशर की, तो आप एडवांस का सीख सकते हैं, मास्टर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसको कोई भी सीख सकता है, तो आप जरूर इसको सीखें। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।